धीरे से सभी आंखें खोलिए। सभी को नमस्ते। सदारव हस्ते। तो आज की सेम ऐसे ही कक्षा मैंने पहले भी ली थी। बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था, वो रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए सेम वही क्लास मैं दोबारा से ले रहा हूँ। क्योंकि बार बार फोन आ रहे हैं कि कैसे इन क्लासेज का मतलब क्या है, कौन इसको कर सकता है, कैसे ये फॉर्म भरना है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ इस चीज का। सबसे पहली बात तो ये क्लासेज हैं क्या, ठीक है, कि ये सिर्फ पीएचडी की गाइडेंस की क्लासेज हैं जो हम शुरू कर रहे हैं। एमएससी करने के बाद में, क्योंकि मैंने भी फील किया था कि बिना गाइडेंस के हड़बड़ाहट सी होती है कि कैसे इंटरव्यू को फेस करें, कैसे चीजें तैयार करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो सिखाया जाता है रिसर्च साइनोप्सिस बनाना, थीसिस भी करवाई जाती है। जिन्होंने किया होगा उनको तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिसर्च की कुछ भी नहीं पता, ना ही उन्होंने थीसिस बनाई, ना ही उन्होंने साइनोप्सिस बनाई कभी आज तक। शायद अभी भी मैं अगर वोटिंग करूं तो 60-70% का रेशो जाएगा जिनको कुछ नहीं पता। और हमारी क्लासेज का मकसद भी यही है कि ऐसे बच्चे जिन तक सही एजुकेशन नहीं पहुंच पाई, मजबूरी में उन्होंने डिस्टेंस से लर्निंग किया, या वो यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए लेकिन मजबूरी में वो क्लासेज नहीं अटेंड कर पाए, और जिसकी वजह से वो इस नॉलेज से पीछे रह गए। ये चीजें एमएससी में करवाई जाती हैं, अगर आपने एमएससी में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो, या आपके टीचरों ने ध्यान दिया होगा तो। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं दिया गया था, इसीलिए मुझे लगा कि और भी बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, फेस कर रहे हैं। पीएचडी तो आप लोगों को करनी है, तो बिना पीएचडी के लिए क्या चीज जरूरी है, पहले आप वो क्वालिफिकेशन आप सुन लीजिए। एमए या एमएससी आपकी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में आप पीएचडी के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी नेट जेआरएफ को कंपलसरी नहीं किया गया, अभी 1-2 साल के अंदर बिना नेट जेआरएफ के भी आप पीएचडी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए जहां जहां पे पीएचडी में सीट्स आएंगी वहां पे आपको इनरोल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और पहले आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, अब तो ऑफलाइन होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोनों लोग आते हैं, मतलब कि जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो तो डायरेक्ट ही इंटरव्यू में आएंगे, उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। अब जिन लोगों का नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है उनको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो जो क्राइटेरिया है, अगर वो उस क्राइटेरिया में अच्छे नंबर आते हैं, उनकी जो डिमांड है 50%, 60%, 70%, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो बच्चे पीएचडी के लिए, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे इंटरव्यू में आएंगे और नेट जेआरएफ वाले डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे, और यहाँ पे शुरू होता है इंटरव्यू। और बिना इंटरव्यू के आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई ही क्यों ना हो। इस बात को आप ध्यान रखिए,
बहुत सारे जेनेट जेआरएफ क्वालिफाई बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत सारे बिना नेट जेआरएफ के बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं। तो उन इंटरव्यू में क्या होना है, क्या चीज पूछी जाएंगी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। ठीक है, सबसे जो मेन है साइनोप्सिस, हर यूनिवर्सिटीज में डिमांड होती है साइनोप्सिस की। कोई टॉपिक लिया जाता है, आप साइनोसाइटिस ले रहे हो, माइग्रेन ले रहे हो, बैक पेन ले रहे हो, अर्थराइटिस ले रहे हो, मेडिकल क्लिनिकल ले रहे हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल है, या फिर आप थ्योरेटिकल ले रहे हो, उपनिषदों पे ले रहे हो, भागवत गीता पे ले रहे हो, टॉपिक कुछ भी हो सकता है रिसर्च का, लेकिन उसकी एक साइनोप्सिस होनी बहुत जरूरी है, उसका प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है कि उसमें टाइटल क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। ठीक है, उसका लिटरेचर कैसे करेंगे, लिटरेचर कर भी लिया तो उसको एक पेपर पे कैसे प्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में किस तरीके से हम इंटरवेंशंस क्या लेंगे, इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, टूल्स को कैसे हम जज करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और कैसे फिर उसके बाद में उसको पब्लिश करेंगे, सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो रिसर्च में आप लोगों ने अपने एमएससी में पढ़ी होंगी, उन सभी चीजों का प्रैक्टिकल है ये। अभी तक तो पढ़ी पढ़ी है आपने किताबों में, अब ये प्रैक्टिकल अप्लाई होगा और उसी का एक पेपर बनेगा, 5 से 6 पेज का। स्लाइड्स भी बनवाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, और वो स्लाइड आपको इंटरव्यू में दिखानी होती है, और उसके बिहाफ पे आपका पीएचडी में सिलेक्शन होता है, उसके बिना आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो हमारा यही छोटा सा प्रयास है कि सबसे पहले आप ये जो बेसिक नॉलेज है, एडवांस तो बाद में लोगे ना, पहले तो बेसिक लोगे ना, कि पहले आप बेसिक चीजें जान लो ये। ठीक है, बेसिक जो क्लासेज हैं वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको पहले ही, आप लोगों ने पिछले साल की मेरी रिसर्च की क्लासेज पढ़ी होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो यूट्यूब पे डाल लीजिए, MDYA राहुल आर्य रिसर्च एप्टीट्यूड, 1 से लेकर के 20-25 कुछ समथिंग वीडियोज हैं, सीरीज में आप सारी देख लीजिए, 1-1 घंटे की डेली ऐसी क्लासेज की हैं वो। तो मेन बेसिक डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। अब मैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, अब मैं आगे का स्टेप शुरू कर रहा हूँ। वो मेरा वहां पे जो मैंने क्लासेज कराई थी 1 साल पहले, जो यूट्यूब पे जो मैंने अभी बोला आपको, उनका पर्पस था नेट जेआरएफ क्लियर करना, वो नेट जेआरएफ के लिए मैंने कराई थी क्लासेस। और अभी ये जो क्लासेस मैं अभी मैंने बोला आपको, ये है पीएचडी के लिए, ये उससे थोड़ा सा हाई लेवल की होंगी, इस इनमें प्रैक्टिकली चीजें इन्वॉल्व होंगी, वहां पे हमने पढ़ी पढ़ी थी, यहाँ पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा एक्चुअल में। वहां पे पढ़ा था कि लिटरेचर रिव्यू करना होता है, यहाँ पर हम बताएंगे लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है, उसको कैसे अरेंज करना है, कैसे टूल को हमें छाटना है, एक पर्टिकुलर जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे हम इसमें। और किन लोगों को करना है भैया, जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है, एमए फर्स्ट ईयर में है, उन लोगों से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो तो इन क्लासेज को ना करें, वो पहले नेट जेआरएफ के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे की क्वारीज आ रही थी हमारे पास में, आप लोगों के लिए पहले है कि आप पहले अपना एमएससी एमए का एग्जाम दो और नेट जेआरएफ की तैयारी करो, ये उसके बाद का स्टेप है, आप लोगों का नंबर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। अब ये क्लासेज किन लोगों को लेनी है, जो या तो एमएससी फाइनल ईयर में है, एमए फाइनल ईयर में है, 4th सेमेस्टर में है, या एमएससी जो कर चुके हैं वो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल ईयर में है उन लोगों को अभी अगस्त में ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज सीट्स निकालती हैं पीएचडी की,
तो आप लोगों का अगर ये चीज तैयार होगी पहले से ही, तो आप क्या होगा, आराम से इजिली आप इंटरव्यू दे दोगे और आपका टाइम बच जाएगा। मेरे दो तीन दोस्त रहे, मैं तो बड़ा लकी मानता हूँ अपने आप को, हर काम मेरा अपने आप ही हो जाता है। आप जैसे दोस्त अपने आप ही मुझे मिल जाते हैं, अपने आप ही मेरी हेल्प कर देते हैं, उन्हीं से मैं मोटिवेट होता हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त रहे जो मेरे साथ में ही थे, अब वो पीछे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वो घबरा रहे थे कैसे वो इंटरव्यू फेस करेंगे, कैसे साइनोप्सिस बनाएंगे, वो घबरा गए। अब मैं तो यहाँ पे आ गया, देखो 1 साल आगे निकल गया, वो वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये स्थिति आप लोगों के साथ ना आए, इसलिए मैंने अभी ये क्लासेस शुरू की है। अभी आप लोगों के पास में 3 से 4 महीने हैं, अभी 3 से 4 महीने हैं आप लोगों के पास, आप आराम से अपना साइनोप्सिस बना सकते हो और आराम से पीएचडी की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो अभी आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या यहां तक? ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों के डाउट क्लियर हो गए हैं। इन क्लासेस क्यों करवाई जा रही है, इनका मकसद क्या है? बार बार देखो मुझे परेशान मत करना छोटी छोटी चीजों के लिए। देखिए बोलते हैं ना कि जिस आदमी उसी लेवल की चीजें पूछनी चाहिए उस आदमी से। एक्सक्यूज एक ही चीज को मी बार 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 रिपीट करते हो तो मैं भी इरिटेट सा हो जाता हूँ बेसिक बेसिक चीजों को, इसीलिए मैंने मीटिंग रखी है। जी बताइए मैडम। हाँ जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैंने एमए कर लिया है सर। मैं पीएचडी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ अलोंग विद माय नेट मतलब प्रिपरेशन। तो मैं इससे पहले पीएचडी का भरना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ सर? एमए हो चुका है ना आपका? एमए हो चुका है मेरा। अभी तो मैंने बोला कि या तो जो फाइनल ईयर में है या जिनकी हो चुकी है वो कर सकते हैं। आपने तो शायद सर मिस ये कर दी मेरी लाइन है तो ना। देखिए आई एम लिसनिंग वेरी केयरफुली सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी भी आप ही करवाएंगे सर? एंट्रेंस की क्या तैयारी होगी? एंट्रेंस में हाँ बता देंगे बेसिक उसमें क्या है। एंट्रेंस तो नेट जेआरएफ की तैयारी करो, वही तैयारी वहां पे आएगी बेसिक। रिसर्च एप्टीट्यूड आता है 50-60% जो है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड ही होता है कई जगह तो 90-90% रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैंने बताया जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था, या अभी कुछ दिनों में सत्येंद्र सर आपको रिसर्च पढ़ाएंगे, आप उन क्लासेज को अटेंड कर लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेज अच्छे से ले ली, एक तरफ से तो आपको नेट जेआरएफ की भी तैयारी होगी क्योंकि वो यूनिट नेट जेआरएफ में भी रखी गई है, और दूसरी तरफ से पीएचडी में भी रखी गई है, तो दोनों की आपकी तैयारी होगी। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी कि मतलब हम तो पूरा पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे फॉर्म निकला कहाँ पे? क्योंकि इतना तो अगर टाइम हम पूरा नेट को देंगे सर्च करने में, तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, हेडेक और शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या होता है मैम, उसके लिए एक सर्कल चाहिए आपको अपने अच्छे दोस्तों का। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा, हाँ अगर सर्कल ना हो अच्छे दोस्तों का सर्कल चाहिए जो आपके गुड विशर्स हो। सर, आज के टाइम में कोई हाँ वेलविशर नहीं होता, कोई गुड विशर नहीं मेरी होता। कोशिश रहेगी कि हमारे सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें, बाकी कितनी सहायता करेंगे आप लोग वो तो देखी जाएगी अभी जब प्रैक्टिकली होगा। मुझे पता है कि 50% लोग पीछे हट जाएंगे, मुझे 50 क्या 90% लोग पीछे हट जाएंगे, मैं श्योर हूँ। खाली चीजें शेयर भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारे, 90% लोग शेयर करने से भी डरते हैं। सर फ्रैंकली लेकिन स्पीकिंग एक ही चीज कहना चाहूंगी, लोग शेयर इसलिए भी नहीं करते हैं कि उनको लगता है मेरे से आगे ये ना निकल जाए। तो ये कंपटीशन की जो मतलब थॉट प्रोसेस है, इसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट इसीलिए हेल्प आपकी चाहिए कि मतलब अगर आप नहीं बता इफेक्ट सकते। पड़ेगा, मेरे ओरे में आप लोग आ रहे हो, मेरी क्लासेज में ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ मेरा इफेक्ट तो पड़ेगा आपके ऊपर जो क्लासेज में है। लेकिन मैं मुझे पता है कि ऐसा होना है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ और अच्छे दोस्त होंगे वहां से तो हमें मैसेज मिल ही जाएगा। और उससे भी एक अच्छा तरीका है,
अच्छा तरीका क्या है कि अपने टीचरों से कांटेक्ट रखो, अपने दोस्तों से कांटेक्ट रखो, और या अच्छा फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पर जाकर चेक करो। सर, वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर मैं ये हम लोग सपोज ये नेट की इसमें ये आपका वीडियो देखने में और इसकी तैयारी करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हेडेक हो जाता है स्क्रीन पे देखते देखते, फिर अब इसके साथ साथ हम फॉर्म्स को देखते रहेंगे तो पूरा दिन स्क्रीनिंग टाइम में निकल जाएगा और ठीक फिर है, बहुत ज्यादा पेन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखूंगा, और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज करो, जो हमारी इस चीज में सहायता करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप सभी लोग फेस करोगे। देखिए, आप सभी ऑल ओवर इंडिया से, हर एक यूनिवर्सिटी से बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर सभी लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली तो हमारा काम हो गया। एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब भी नहीं है। जैसे कोई BHU से जुड़ा है, कोई SVSS से जुड़ा है, कोई पतंजलि से जुड़ा है, सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं यहाँ पर। खाली आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, हमारा काम हो गया। और उसमें जो सीट्स आ रही हैं, आकर के हमारे ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि आपके जैसे उस सारे बच्चों को वैसे मिल जाए और वो इंटरेस्टेड बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट कर सके। देखिए, अभी हमारे सामने कितने बच्चों के आ गए, लगभग 15 के थैंक करीबन लिखने हैंडेज कर दिए अभी। हाँ, यू तो 15 यूनिवर्सिटी आ गई हमारे गाइस। पास। ठीक है, इस ग्रुप का यही फायदा है हमारे। सर वैसे तो मैं MSc फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी, और साथ साथ दूसरी चीज व्यस्त में इन्वॉल्व तो किसी चीज में नहीं था, लेकिन हाँ ये कोशिश रही यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग PhD, अभी मुझे कुछ जानकारी नहीं, अगर आती है तो जरूर शेयर कर सकते हैं सर कि PhD की कोई बात सीट नहीं आई सर, है। आप लोग जुड़ जाइए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोगों का पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप अपने नेट JRF की तैयारी करें और MSc की सर तैयारी करें। आपके वो सेंटेंस से क्लियर हो गया कि मुझे अभी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि मैं वैसे ही नेट JRF की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जॉब में बिजी हूँ, मुश्किल से हाँ 1 घंटा दिन का निकल पाता है पढ़ाई के लिए, बिल्कुल तो सर। कोशिश और करूँगी कहीं से सेटल किया जाए टाइम को। चलिए, आप इंफॉर्मेशन दे देंगे वो बहुत अच्छी बात है। कौन सी इंडस्ट्री से मिल बुझिया? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस चलिए, महू सभी लोग इंदौर। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और स्टेट मैसेज करो, अभी पता चल जाएगा कितनी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज का नाम और उनके स्टेट को मैसेज कर दें कि कौन से स्टेट में, हरियाणा में है, पंजाब में है, MP में है, अभी क्लियरिटी मिल जाएगी हमें। और मुझे कौन बताएगा? चलो मैं ही देख लेता हूँ। देखिए, देव संस्कृति के हैं, हरियाणा छत्तीसगढ़ के हैं, सांची यूनिवर्सिटी के हैं, कुमानी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के हैं, रावतपुरा सरकार छत्तीसगढ़ के हैं, देव संस्कृति, कटी यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एस व्यासा पंडित जी हैं, मैं खुद भी हूँ, तिलक जी, सांची यूनिवर्सिटी, हरियाणा सी, RSU, उत्तराखंड हल्द्वानी, गुजरात यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जैन विश्व भारती, बरकतुल्ला भोपाल। देखिए, अभी और बच्चे भी आएंगे हमारे पास, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं। तो आप खाली अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, हमारे पूरे ग्रुप का काम बहुत इजीली हो जाएगा, हमें अलग से हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मैडम ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज को चेक करना। ठीक है, हम आप लोगों के, आप सभी लोग एक दूसरे की इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। और इसके अलावा और कोई नजर में आती है उसको भी शेयर कर देना। किसमें? नेट वाले ग्रुप में नहीं, PhD वाले ग्रुप में, उसका ग्रुप अलग बनेगा। PhD का ग्रुप तो मेरे को नहीं पता, मैं तो नहीं हूँ उसमें सर। बनेगा, पेशेंस रखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज भी मैं दोबारा बताऊंगा अभी। ठीक है, ओके। आप अपने हैंड्स को डाउन कर सकते हैं, उसके बाद में हैंड्स वही उठाएंगे जिनको क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने कि वो करना क्या है आपको इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। देखिए, मैंने एक फॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट बनाई है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो आप सब लोगों को पूरी करनी होगी, क्योंकि ऐसी क्लासेस मैंने अभी तक इंडिया में तो कहीं नहीं देखी होती हुई, जो ओपनली प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से PhD की क्लासेज या सिनॉप्सिस वगैरह तैयारी करवा रहे हो। शायद ये हमारी MD वही की पहली पहल है इस तरीके की।
क्योंकि बहुत सारे रिस्क पॉइंट्स भी होते हैं, एक बच्चे ने मेहनत किया दूसरा बच्चा उसकी मेहनत का गलत फायदा भी उठा सकता है, होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो उन पॉइंट्स को बचने के लिए मैंने कुछ बाउंडेशंस रखी हैं उस फॉर्म्स के अंदर, आप लोगों को वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ठीक है, उसके बाद में आपको ग्रुप में एंट्री दी जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक एक करके वो दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है? ओके यस सर। जी, देखिए ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, मैं एक बार फिर शेयर कर दूंगा, आपको लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे इसमें ईमेल आईडी मांगी गई है आपकी, आप अपने ईमेल आईडी भरेंगे। ध्यान से दिन सुन लीजिए, बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मुझे फिर इरिटेशन सी होने लग जाती है। फुल नेम, अपना नाम भरेंगे, गूगल मीट आईडी। अब लोग बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, गूगल मीट आईडी पे क्या करें? देखिए अभी देखिए, ये आपके सामने कुंजी जुड़े हुए हैं, देखिए इनके आईडी पे क्या लिखा हुआ नीचे बताएंगे, कोई माइक खोल के बताए क्या लिखा हुआ नीचे? .gxp सर, अरे नहीं, इनके नाम के कुंज नीचे, कुंज ठीक कुंज कुंज सर, है। अच्छा अब कुंज ये क्या लिखा हुआ है इनके नीचे? हाँ, पोको टेस्ट पोको टेस्ट, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है इनके नीचे? हाँ योगा मास्टर। देखिए, तो कोशिश तो करो भैया, आप अपनी आईडी से जुड़ने की कोशिश करो, पोको टेस्ट, योगा मास्टर, योग गुरु, कोशिश करो दूसरी आईडी से कम जुड़ो आप अपने नाम से, जैसे वैभव जैन जी अपने नाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश ये है गूगल मीट आईडी, कि आप किस आईडी से आप क्लास में आओगे, ताकि एक्स्ट्रा बाहर के बच्चे ना आए, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं सिर्फ वही बच्चे हमारी क्लास में आए, इसका मतलब ये है। समझ आ गया होगा सब लोगों को गूगल मीट आईडी क्या है? जी सर, अब देखो कितने सारे लोगों ने कितनी गड़बड़ कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गूगल मीट आईडी कई लोगों ने, तो ये देखिए ये रहा गूगल मीट आईडी, कुछ लोगों ने तो ठीक कर रखी है, ये देखिए इन्होंने तो अपने ईमेल आईडी, यस, और यस क्या होता है, यस है क्या आपकी ईमेल आईडी? आधार कार्ड, अनुजा कुमारी, राहुल यादव ठीक है, राजेश पटेल ठीक है, भैया आप ठीक से तो भर दो है, गूगल मीट आईडी मैंने उस दिन भी बताई थी, ये तो ठीक है, देखिए उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी थोड़ी होती है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन लोगों ने देख लो, जिन लोगों की गलत है वो अपना एक बार दोबारा भर दें इस चीज को, ओके। और ओके ध्यान सर, दिया, इसके आगे क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी व्हाट्सएप नंबर वाला होना चाहिए, ठीक है, जो चल रहा हो, ओके हाँ चल रहा होना चाहिए, कईयों का बंद मिलता है। आगे क्या करना है आपको, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, ओके। इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस, कि फिलहाल आप कहाँ पे रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस, एक्चुअल आपका एड्रेस कहाँ का है दोनों, ठीक है। सिटी, किस शहर के हो, स्टेट, कंट्री। आधार कार्ड पे जो नंबर होता है आपको, वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, आधार कार्ड को अपलोड करना है, और अपलोड करने के लिए क्या क्या चीजें है, देखिए लिखा हुआ है ना, प्लीज अपलोड सिंगल फोटो ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड, फाइल शुड नॉट मोर देन 100 MB। लास्ट टाइम शैलेश जी ने एक छोटी सी वीडियो भी भेजी थी कि कैसे उनको एक साथ बनाए, ठीक है, वो आप सब लोगों को पता भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ फाइल या फिर इमेज या फिर स्क्रीनशॉट, वो यहाँ पे अपलोड हो सकता है, और उसका साइज मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिटेल्स में। अगर नहीं है तो अपना गूगल पे जा करके वहां पर पे इमेज कंप्रेसर डाल करके उसका साइज को कम कर लीजिए,
साइज वहां पे छोटा हो जाएगा। अगर 100 है तो उसको 10 कर लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कि स्टूडेंट जो आईडी है आपकी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए या फिर इनरोलमेंट नंबर, एमए या फिर एमएससी के अंदर जो आप पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, कहाँ जहां पर भी आप पढ़े हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, यहाँ पे उसको टाइप कर दीजिए। स्टूडेंट आईडी, या तो स्टूडेंट की आईडी या फिर मार्कशीट, किसी भी सेमेस्टर की कोई भी मार्कशीट उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और फाइल का साइज मैक्सिमम 10 MB रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फोटो को वहां पे मांगा जा सकता है, अपलोड यहाँ पे की जा सकती है। कंसेंट फॉर्म, ये सबसे जरूरी है, कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म के लिए कुछ लोगों ने भरा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव ही, कुछ लोगों ने डिजिटल भरा है, कुछ लोगों ने अपने हाथ से भरा हुआ है। देखिए जैसे कि ये फॉर्म भरा हुआ है, अरे सिग्नेचर अपलोड कर दिए, अब मैं क्या करूं ऐसे लोगों का, मैंने मांगे हैं कंसेंट फॉर्म और आप सिग्नेचर भर रहे हो, कौन है ये? कुंज बिहारी जी, आप इतने समझदार हो, मैंने मांगा क्या और आप अपलोड क्या कर रहे हो, आपसे तो ये आशा नहीं थी मेरे को। सर, सर मैंने आपसे पूछा अभी दिखाता हूँ क्या पूछा था, ये कंसेंट फॉर्म, क्या कुंजी, आप भी बच्चों की तरह छोटी छोटी कर रहे हो, इतनी गलतियां हैं, अच्छा नहीं है ये। देखिए ये है, देखिए कंसेंट फॉर्म मैंने पीडीएफ भेजी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, दो भेजी थी, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की, ठीक है। ये देखिए ये इन्होंने ये ऑनलाइन टाइप किया हुआ है, आप इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हो, पेन से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऑनलाइन ही आपको भरना है, अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर, अपनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एड्रेस, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर और डेट, ये है ऑनलाइन भरने का तरीका, और ऊपर अपनी फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे और लोगों ने भी अपलोड किया होगा, अब आप लोगों ने देख लिया ना कि जैसे अभी कुंज ने छोटी छोटी गलती है, गलतियां मत करो, हम लोगों का टाइम खराब होता है उसमें, फिर हम रिजेक्ट करेंगे और फिर आप बोलोगे सर हमने तो फॉर्म भरा था आपने ऐड क्यों नहीं किया, आप मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा देते हैं फिर लोग। तो हमारी समस्या भी समझने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ आपकी अपलोडिंग में गलती हुई होगी तभी आप लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। हाँ इन लोगों को मैंने अभी तक किसी को भी मैंने नहीं ध्यान दिया अपनी पीएचडी फॉर्म के ऊपर, आज मैं ध्यान दूंगा इसके ऊपर, ओके। तो अभी जो ऐड नहीं हुए घबराओ मत, क्योंकि मैंने अभी किसी को भी ऐड नहीं किया। तो जैसे कुंज जी हैं, कुंज जी दोबारा फॉर्म भरे, अभी सामने गलती आ गई है इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से भैया मेरी सारे आपकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाती है, आप क्या क्या गड़बड़ कर रहे हो वो सारे यहाँ पे शो कर जाएगी मेरे को। इसके बाद आता है कि लास्ट कॉलम है डोनेशन, आप देखिए, देखिए बाकी सारे के सारे हमने रिक्वायर्ड किए हुए हैं, रिक्वायर्ड का मतलब ये आपको भरना ही पड़ेगा, ऊपर भी देख सकते हैं हम जिस पे भी जाएंगे सारे के सारी चीजें हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, लेकिन डोनेशन को रिक्वायर्ड हमने नहीं किया, देखिए अनरिक्वायर्ड है ये। इसका मतलब क्या है कि डोनेशन को आप छोड़ भी सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है डोनेशन आपको देना, अगर आपको लगता है कि ये क्लासेज आप लोगों के लिए यूजफुल है तो आप डोनेशन दे दीजिए। और डोनेशन देने का माध्यम क्या है, अभी हमारे अकाउंट नंबर हमें संस्था का नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी अभी पर्सनल पे ही ले रहा हूँ, कुछ दिनों में जब हमें मिल जाएगा उसके बाद में हम संस्था का अकाउंट नंबर डाल देंगे, लेकिन अभी आपको पर्सनल पे ही भेजना है, सिर्फ मेरे ही नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम नंबर पे आप जो भी है वो यहाँ पे अपडेट कीजिए, और यहाँ पे उसकी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 100 मैंने ज्यादा ले लिया, 10 MB,
10 MB का वो होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। और मेरे को मैसेज आप एक काम कीजिए, हाँ, इसके बाद में अब आप लोगों हमारी रिसिप्ट बन चुकी है डोनेशन की। जिन जिन लोगों ने हमें डोनेशन दिया है हफ्ते से 10 दिन के अंदर, आज तक MDYA में जितना भी डोनेशन आया है, आप सब लोगों को अपनी अपनी रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर आप लोगों को रिसिप्ट नहीं मिलती है, अब ये थोड़ा मेरे को भी सिरदर्दी हो रही है कि 80-90 लोग हैं, उनको रिसिप्ट मैं दूं कैसे, एक एक को व्हाट्सएप करना भी बड़ी सिरदर्दी का काम है। उसका तरीका मैं ढूंढ रहा हूं, मैं कैसे मैं रिसिप्ट आप लोगों को दूं, या फिर गूगल ड्राइव पे एक साथ डाल के दे दूंगा, सब लोगों को पढ़ लेना, अपना अपनी छाट लेना। या फिर एक काम हो सकता है, नहीं भेजू दूंगा मैं सब लोगों को जिन्होंने डोनेशन दिया, ठीक है। अगर बाई चांस हम लोगों से किसी का नाम छूट जाता है तो आप प्लीज हरिओम हरिओम पर्सनल मुझे कांटेक्ट कर लेना। जी सोहन सर, हरिओम सर, वो शिफ्ट के लिए मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, एक क्लिक में सबके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए सोहन सर हमारी हेल्प कर देंगे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगी जिन्होंने डोनेशन दिया है, इंडिविजुअली या सभी की? वो सर बिल्कुल उन्हीं के पास पहुंचेगी जिन्होंने डोनेशन दिया है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के पास में डोनेशन रिसिप्ट आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं ऑनलाइन ही दे रहा हूँ, ऑफलाइन में बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। वैसे मेरे पास आ चुकी है, 1000 रिसिप्ट आ चुकी है, मैंने बनवा लिया है मैं अपनी एकेडमी के नाम से। तो लेकिन वो हाथ से लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए हम ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन हम टाइप करवा देंगे, सोन सर कर देंगे, हमारी प्रेरणा जी कर देंगे, कोई भी कर देगा उसको टाइप, ठीक है। वो आप लोगों को तो भिजवा सिवान भी काफी दीजिएगा। सारी चीजें मैनेज करते हैं, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी से ब्राउज से ही हैं, और ये हमारी यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें मैनेज करते, सोहन सर डेफिनेटली कर देंगे। हाँ आप सोहन सर की बात कर रहे हो क्या? सर, सोहन सर हम लोग सेम यूनिवर्सिटी से हैं, और ठीक, सर सोहन काफी सर सारी का मुझे पता चीजें है, इन्होंने बहुत हेल्प किया है। जो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, ये भी वो सर सोहन सर हमारी की वजह यूनिवर्सिटी से की ही उनकी संभव हो अपनी पाई की है। जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों भी पिछले सर 3-4 दिन से रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब चल रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी वजह से हमने क्लास भी कैंसिल कर दी थी। नाम एग्जाम का था लेकिन एक्चुअल रीजन रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने क्लास नहीं करवाया। तो आज ही सोहन सर ने हमारी हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू। सोहन सर इतनी सेवा कर रहे हैं सब लोगों के लिए। तो अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म से रिलेटेड, इसको आप सबमिट कर देंगे और 1 सप्ताह तक आप मैसेज नहीं डालेंगे। 10 दिन लगा लो कि मुझे ऐड नहीं किया गया, मुझे ऐड नहीं किया गया, मुझे ऐड नहीं किया गया। 1 सप्ताह तक कुछ नहीं बोलेंगे, 1 सप्ताह बाद बोलेंगे अगर आपको ऐड नहीं किया गया, तो सर मुझे ऐड नहीं किया गया, 1 वीक हो चुका है, फॉर्म भरे। हम रोबोट नहीं है, फॉर्म भरा सर हम ऐड कर दो, मैंने अभी फॉर्म भरा है। नहीं, हम इतना टाइम नहीं, हम खाली बैठे हैं, आएंगे आपका फॉर्म खोल के रखेंगे, चेक करेंगे, एकदम अपलोड कर देंगे। नहीं, 1 वीक तक आपको वेट करना है। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना जल्द से जल्द हम ऐड कर दें, ये पेशेंस आपको खुद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और समस्या आपको, आप लोगों के लिए आप बताइए। नेक्स्ट वीक से मैं क्लास शुरू करूंगा, आप लोगों की छोटी इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे नेक्स्ट वीक से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी, योगो भवति दुखः, जी बताइए। सर, जी सर ये जो क्लासेस होंगी हम अपने कॉलेज वाली डिजर्टेशन भी सीख सकते हैं क्या इनसे? हाँ जी, वो अपने आप ही आ जाएंगे इस चीज के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी वो चीज। नेक्स्ट जी, आनंद सिंह जी। जी सर, मैं इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ और मुझे क्लासेस का लिंक नहीं मिल रहा। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, MDY 9 नंबर में, वो ग्रुप तो बंद हो सर चुका जो है, क्लासेस, वो उस जैसे 15 ग्रुप हमने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उसके मैसेज नहीं पढ़े। मैंने बोला था MDY या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरो, जो उस फॉर्म को भरेगा उसको नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपने इसका मतलब फॉर्म नहीं भरा है ना? सर मैंने नवीन सर से बात की थी अपनी लास्ट मीटिंग में, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है MDY से,
तो उन्होंने बोला था कि मैं कर दूंगा, अभी तक तो सर हुआ नहीं है, लास्ट मीटिंग की बात है। नवीन सर कौन हो गए? नवीन सर एसवीएसए वाले नवीन सर की बात कर रहे हो क्या? सर नवीन मांडलोई सर, नीरज मांडलोई है अच्छा, सर। नीरज मंडलोई सर। तो हाँ लेकिन जी वो भी ऐसे नहीं कर सकते, फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा। सर, फॉर्म भर दिया मैंने, कब भरा आपने? ये सर मैंने भर दिया था 24 फरवरी को। और आपको अभी तक ऐड नहीं किया गया? नो सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसमें, दोबारा फिल कीजिए इसको, ओके सर। ठीक है? इसलिए मैंने बोला एक सप्ताह तक अगर आपको ऐड नहीं किया गया तो उस टाइम आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए या फिर अपडेट कर दीजिए, ठीक है जी? ओके सर। आसिमा जी, योगिनी निधि जी। हरिओम जी हरिओम जी। सर, आपके जो गूगल पे है ना, उस पे नंबर नहीं आ रहा है, इनवाइट में आ रहा है। मेरा नंबर? सर चलो जी, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, कुछ कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तो आप पेटीएम कर दीजिए या फोन पे कर दीजिए, ठीक है? मैं ओके सर। एक बार चेक कर लूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। और हाँ, सर या आपके कोई और भी रिलेटिव्स हैं, जी कुछ और भी रिलेटिव जो करना चाहते हैं? हर ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? जी सर सर या फिर आप क्यूआर कोड दे दीजिए तो उसमें उससे कर देंगे। ठीक है, मैं आज फिर, वो थोड़ा ना अटपटा सा लगता है, बोलते हैं बिजनेस माइंडेड है, ये है वो है। चलो ठीक है, मैं एक बार अपलोड कर दूंगा, फिर फॉर्म में डाल दूंगा क्यूआर कोड, ठीक है? मैं जी सर। फॉर्म में ही उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ दूंगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर लोग हमें बिजनेसमैन बोलते हैं, ये बोलते हैं वो, फिर मैंने पर मुझे अच्छी नहीं सर फीलिंग आती वहां पे। मैं सिर्फ गूगल पे चलाती ना, तो इस कारण प्रॉब्लम जा रही है। चलो मैं आपकी शिकायत ये समझता हूँ, कई बार हो जाती है, तो मैं आज ना फॉर्म में ऐड कर दूंगा वो, ठीक है, क्यूआर कोड। थैंक यू ओके सर। चलिए, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों की डाउट्स पूरे हो गए हैं। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, या आपके और अन्य रिलेटिव्स हैं हेलो उनको भेज दीजिए, जिनको करना होगा उनको ऐड कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट संडे सर, से हम क्लास शुरू कर देंगे। जी आसिमा जी, मेरा मोबाइल हैंग या कुछ डाटा क्लियर हो गया, इसलिए मैं इस ग्रुप से लेफ्ट हुई थी कुछ 5-6 महीने से। तो मुझे आज एक फ्रेंड की वजह से ये लिंक मिला, तो मुझे ग्रुप में भी ऐड कीजिए। और आज का जो का ये प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? और उसी फ्रेंड से ले लीजिए, उसी फ्रेंड को बोल देना कि 1 घंटे बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और उसी फ्रेंड को बोल अच्छा, देना ये यूट्यूब की वीडियो मुझे शेयर कर दो। और ये ग्रुप में ऐड कर सकते हैं आप फिर मुझे MDY को? उसी फ्रेंड को बोलिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे सेंड कर दो, उसके बावजूद ओके दिक्कत सर। हो आप फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अपने फ्रेंड का थैंक यू बोलिए, उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। चलेगा चलेगा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। और कुछ किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो हम शांति पाठ करते हैं। थैंक यू, आप सभी लोग जुड़े यहाँ पे नेक्स्ट संडे से, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ वीकेंड पे ही रखूंगी, रेगुलर डेज में नहीं होगी। ठीक है, रेडी है सर संडे को जो संडे से क्लासेस? जो क्लास होगी वो PhD के रिगार्डिंग होगी पता नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं मैम? ना सर? सर मैं ये कहती हूँ, संडे से जो क्लास होगी नेक्स्ट संडे से, वो PhD के रिगार्डिंग होगी ना सर? हाँ जी, मैंने बताया तो ना, ये चीज अलग है, वो नेट जेआरएफ की क्लासेज अलग हैं, ठीक है, ये अलग है। आप ध्यान से पूरा मैसेज पढ़ा करो, सभी इंस्ट्रक्शन को सुना करो, ये चीजें अलग होंगी, इसका ग्रुप भी अलग होगा, ये ग्रुप भी अलग बनाया जाएगा, वो अलग है जिसमें आप अभी ऐड हो। अभी 3 ग्रुप रनिंग में है हमारे, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप नहीं हो तो उनमें ऐड हो जाना, और उनमें से किसी एक ही ग्रुप में रहना आपको। MDYA मेन ग्रुप 3, MDYA मेन ग्रुप 4, MDYA मेन ग्रुप 5, ये मेन सब ग्रुप एक फाइव जैसा ही पूरा है? इंस्ट्रक्शन सुनिए, पूरा इंस्ट्रक्शन सुनिए। MDYA मेन ग्रुप 3, MDYA मेन ग्रुप 4, MDYA मेन ग्रुप 5, इनमें से किसी भी एक में रहिए, ये है नेट जेआरएफ के लिए। इसके अलावा अभी मैं नया क्रिएट करूंगा, टाइटल मैंने सोचा नहीं है, लेकिन यही होगा, MDYA PhD मेन ग्रुप 1, अभी यही होगा, ओके
टाइटल फिलहाल के लिए, ठीक है, वो पीएचडी का होगा। ओके तो सर जो ये फॉर्म हमें भरना है जो आपने भेजा है पीएचडी के लिए, ये कब तक देना है सर आपको? आप एक दो दिन में भेज दीजिए, ठीक है, संडे से तो क्लास हो ही जाएगी फिर। चलिए जी, तो हम शांति पाठ करते हैं। कमर कदम सीधा कर लीजिए सभी लोग, धीमे लंबे श्वास लें और छोड़े। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाथों को मिलाएंगे, रब कीजिए, आंखों पे लगाएं, धीरे साके खोले। नमस्ते, सदारो हस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।